इंद्रो को क्या वादा करा था कि ठेकेबार का डूगा काम के करे पूरा, इसकी 30 क्यों नहीं हो रही फिर? जिसको 30 है जो तेरा महकमा है तो वो कर दे ठीक, तो और क्यों किसी ने कुछ है? ये 30 लेने वाले जो लोग हैं ना, इनको और कोई काम नहीं है। परिवर्तन यात्रा के बाद आपका ये राउंड चलता है गाँव में, क्या कुछ रुझान लोग क्या कह रहे हैं? जी रुझान तो आज समस्त हरियाणा में आज लोगों का रुझान है इंडियन नेशनल लोकदल के प्रति, और जहाँ पर भी हम गए हैं बड़ा उत्साह लोगों में देखने को मिला है, और आज लोग एक ही बात कहते हैं परिवर्तन हरियाणा परिवर्तन यात्रा से आज पूरी हरियाणा की जनता को विश्वास हो गया है कि अगर प्रदेश में कोई परिवर्तन लेके आ सकता है तो केवल और केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लेके आ सकते हैं। अभी तक हिसार जिले में गई है यात्रा, फतेहाबाद जिले में गई है, और जो परिवर्तन यात्रा है यह समस्त हरियाणा में जाएगी, हरियाणा के 90 के 90 हलकों में जाएगी, और हम सभी गांवों को कवर करेंगे। जो गांव पद यात्रा में रह गए थे वो रथ यात्रा के माध्यम से पूरे हरियाणा के हम सभी गांवों को कवर करने का काम करेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि जेजेपी और भाजपा का गठबंधन 15-20 दिन में टूटने वाला है, क्या कहेंगे? भाई वो उनका फैसला है, अगर वो तोड़ना चाहे तो तोड़े, नहीं तोड़ना चाहे ना तोड़े, लेकिन ये इनका आपसी का मामला है, इससे हमारा कोई लेना लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? उनके मंत्री भी जा रहे हैं, आपने वो देखे है जनसंवाद? जनसंवाद नहीं है, जनसवाद है। लोग मांगे रखते हैं, जेन्युइन मांगे रखते हैं, और उन चीजों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं मुख्यमंत्री साहब, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो कह देते हैं नहीं मुख्यमंत्री तो साहब सिर्फ मजाक कर रहे हैं, कोई मजाक करने वाली बात क्यों? किसी महिला का बेटा नशा करके मर रहा है और आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं? आपको पता है इनके इनके परिवार नहीं है, इनको पता नहीं है कि जिसके परिवार होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, उनको कितनी पीड़ा होती है? ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए, और हरियाणा की जनता इस बात को बड़ा अच्छी तरह से समझती भी है, और अब तो लोग कहने लग गए हैं कि जी कोई बात नहीं, आने तो ये अपनी बात कहेंगे चले जाएंगे, जब चुनाव आएगा हम इनको जवाब भी देंगे। राजस्थान में चुनाव शुरू हो चुके हैं, टिकटें अनाउंस हो रही है, कांग्रेस है, बीजेपी है, लेकिन जेजेपी भी वहां पे जोर लगा रही है, आप कैसे देखते हैं? मैं तो इनको बेस्ट ऑफ लक कहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जोर ये लगा रहे हैं वहां पर, इन्होंने एक बात तो साबित कर दी, हरियाणा में अब इनका नहीं रहा, ये तो कहीं और अपनी ग्राउंड देख रहे हैं। परंतु मुझे विश्वास है कि राजस्थान के लोगों ने भी इनकी हरकतें जो इन्होंने हरियाणा में करी है बखूबी तौर से देखी भी है, मुझे लगता नहीं कि कोई फर्क पड़ेगा इस बार। वो वहाँ पे किसानों और पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। याद दे दो पहले, या तो वो डिप्टी सीएम याद दे दो पहले, यहाँ बढ़ा दो युवाओं तो को दो रोजगार। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है पंजाब के मुख्यमंत्री को, उस पर क्या कहेंगे? देखिए जी एसवाईएल का जो मैटर है, जो एसवाईएल का जो पानी, मैं आज भी ये मानता हूँ कि केंद्र की सरकार ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने में बहुत देरी करी। ये जो फैसला है इस सुप्रीम के फैसले को कोट किया जा रहा है, ये फैसला 2003 का है, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी स्वयं इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे और वहां से हरियाणा के पक्ष में जो है फैसला आया था। ये तो केवल और केवल पंजाब के मुख्यमंत्री लोगों को भिड़ाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मैं अभी तक मैंने देखे उनके इंटरव्यू देखे हैं तो झूठ बोलने पर आ गए, कहते सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश ही नहीं करा। ये तो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं लेकिन ये संविधान को मारने को ही नहीं तैयार। और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार जो है, जब आपकी केंद्र में सरकार थी, जब आपकी हरियाणा में सरकार थी, तो आज ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट आपको बोल रहे भी क्यों एक्शन नहीं ले रहे, आपने क्यों नहीं लिया पिछले 9 साल में? देखिए जी मैं ये तो कह नहीं रहा कि वो मिले नहीं मिले, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद क्यों कर रहे हो, आपने पहले क्यों नहीं करा? ये केस हरियाणा की जनता 2003 में जीत चुकी थी। अगर 2003 के बाद कांग्रेस का राज रहा 10 साल, 9 साल बीजेपी के राज रहा, अगर ये ढंग से करते तो मैं इसके 2 परिणाम आपको बता दूं। पहला परिणाम, जितना इस इलाके में फ्लड से नुकसान है लोगों का, किसी का नहीं होता, क्योंकि यही फ्लडी पानी आगे भिवानी तक जाता, वहां लोगों का फायदा होता और ये एरिया फ्लड से बचता। पंजाब में 3 अलग अलग जिले फ्लड से बच जाते। आज जो ये रो रहे हैं एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, ये लोग जो एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं खुद पे क्यों नहीं उठा रहे?
कितना करोड़ों का जो नुकसान हुआ है हरियाणा के लोगों का और पंजाब के लोगों का, अगर ये नहर पहले बन जाती तो लोगों का फायदा होना था। हरियाणा कांग्रेस गठबंधन से मना कर चुकी है इनेलो के साथ, वहीं अनुराग ढांडा आपके कह रहे हैं कि इनेलो का जनाधार नहीं है, हम उनको जिंदा करने का काम क्यों करें। अनुराग ढांडा कौन है? आम आदमी पार्टी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, उनको लगता होगा हमें उनकी बातों से कोई क्या हरियाणा में तीसरे मोर्चे का गठन होगा है? क्या हरियाणा में इनेलो तीसरे मोर्चे का गठन करेगी? आप चिंता ना करो, अभी चुनाव आने दो, अभी हम अपना काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। जो ये तमाम फैसले हैं इस प्रकार के, ये सब उस समय पे लिए जाते हैं, चुनाव के समय लिए जाते हैं, चुनाव से इतना पहले लेने का। चुनाव में जेजेपी ने चुनाव में वादा किया था कि 5,000 हम पेंशन करेंगे, लेकिन पेंशन नहीं हुई। कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि मेरे को 30 है। अब भी बुजुर्गों की पेंशन कट रही है, आपने अपने भाषण में कहा, उसको क्या कह रहे हैं? 30 है, ठीक है, और महकमे भी है इसके पास, और सबसे मेन महकमा एक्साइज वाला इसी के पास है। ताई इंद्रो को क्या वादा करा था कि ठेकेबार काटूंगा काम के, करे पूरा, इसकी 30 क्यों नहीं हो रही फिर? जिसको 30 है, जो तेरा महकमा है तो वो कर दे ठीक, तो और क्यों किसी ने कुछ है? ये 30 लेने वाले जो लोग हैं ना, इनको और कोई काम नहीं है। अभी तो थोड़े दिन रुको, अभी इनको जूतों की माला भी पहनाएंगे लोग, इसीलिए तो ये राजस्थान जा रहे हैं। अर्जुन जी, दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान में एक यात्रा शुरू की फेफड़ा गांव से, तो उसके बाद परसों एक मीटिंग दी इरिगेशन के डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी को, उन्होंने लेटर लिखा राजस्थान गवर्नमेंट को कि हरियाणा से राजस्थान को जो नहरें जा रही हैं उनकी रिमॉडलिंग की जाए और उनका पानी पूरा किया जाए। अच्छा, मैं देखी वो यात्रा, बड़े गौर से देखी डिप्टी साहब की, वो कहते वहां की यहाँ से जो पानी राजस्थान को वो पूरा करो। अच्छा, वो पूरा करो। आप एक चीज ये देखो, मैं पहले भी यही बात कही है कि इनकी हिपोक्रेसी देखो, कि एक तरफ ये हरियाणा के हितों की बात करते हैं लेकिन ये हरियाणा में रह के हरियाणा के लोगों का हित नहीं कर सकते, दूसरे प्रदेश में जाके क्या ही हित करेंगे। और ये बात कोई मेरे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है किसी के कहने की जरूरत नहीं है। मैंने इनकी यात्रा देखी थी, आप जैसे पत्रकार साथी उन्हीं से हमें पता चला, इनको तो खाना खिलाने वाला नहीं मिला कोई। इतने माड़े दिन तो नहीं होने चाहिए किसी उप मुख्यमंत्री के, कोई रोटी खिलाना तो मिल सकता था इनको। ये चीजें दर्शाती है कि लोगों का किसके प्रति विश्वास है। और आज के दिन जी देखो, दुनिया में लोग पागल नहीं बैठे, आज के दिन समस्त देश की जनता समझदार है, और कौन क्या कह रहा है और क्या कर रहे हैं उस चीज की लोगों को पूरी तरह से समझ। हरियाणा में आशा वर्कर्स लंबे टाइम से धरने पे, आज उन्होंने डिप्टी सीएम के आवास का सिरसा में घेराव करना चाहा और उनके साथ काफी पुलिस की मुठभेड़ हुई। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है, इससे पहले भी इन्होंने घेराव करने का काम करा है, और निरंतर हरियाणा सरकार ने आशा वर्करों के साथ उनको धोखा देने का काम करा है। पिछले चुनाव में उनको आश्वासन तक दिया था, लेकिन उस आश्वासन को ना ही बीजेपी ना ही जेजेपी ने इसको पूरा करने का काम करा। हम इस बात की निंदा भी करते हैं, और हमारी तरफ से हमने आशा वर्कर को सपोर्ट आगे देने का काम करा है और आगे उनको अपना सपोर्ट देते रहे। को लेकर सभी विपक्षी दल कहते हैं कि जो चौटाला सरकार थी तो नशा था, लेकिन आज चिट्टा है, घर घर के युवा मर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने डवाली को पूरे जिला भी मना दिया है, लेकिन युवाओं में नशा धरातल पर है और नशे के कारण युवा हर रोज मर रहे हैं, इस पे क्या कहें? कौन सा विरोधी कह रहा है? किसी समय में कहते थे कि नहीं, कोई विरोधी, कोई नाम होगा विरोधी का जिसने ये बात कही होगी। कांग्रेस भी कहती थी किसी समय में, बीजेपी भी कहती थी। तो 10 साल कांग्रेस का राज था, तुमने रोक दिया तुमने, कांग्रेस के राज में बढ़ा है और सबसे ज्यादा बीजेपी के राज में ये नशा बढ़ा है। हमने पूरी की पूरी पीढ़ियों को खत्म होते हुए देखा है। अब दिक्कत यह है, कांग्रेस के नेता नहीं जाते गांव में लोगों के बैठने, और बीजेपी वाले तो जमा ही नहीं जाते। हम जाते हैं, 21 साल के लड़के, 22 साल के लड़के, 25 साल के, 26 साल के लड़के, और आपको पता है मौत का कारण क्या होता है? सीधा हार्ट फेल। परिवार वाले बेचारे करें भी तो करें क्या भाई, डॉक्टर को भी आप तब दिखा सकते हो ना जब कोई दिक्कत आए, कुछ समझ में आए। हार्ट ही फेल हो गया तो कोई बेचारा क्या करे? ये लोग जो बात करते हैं ना ऐसी, ये कभी लोगों के बीच में गए नहीं, इनको नहीं पता एक माँ की एक पिता की क्या पीड़ा होती है जब उनको पता चलता है कि भी तुम्हारा बेटा नशे कर रहा है। ये जो लोग उंगली उठाने का काम करते हैं, आज ये लोग सत्ता में बैठे हैं। आप करो अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाने का काम करो, फिर तो हम माने। ये वो लोग हैं जो तस्करों के साथ मिलकर के काम करते हैं और दूसरे पे उंगली उठाने का काम। राजस्थान चुनाव पे जी अभी हमने फैसला लेना बाकी है, किस प्रकार से रहेगा, हमारे जहाँ जहाँ कोई कार्यकर्ता साथी है उनसे बातचीत करेंगे, उनके फैसले। थैंक यू सर, धन्यवाद। Thank you.